हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिंपल घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। टोटल हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमने यहाँ पर सिंपल घेरे के बना लिए हैं। एक राउंड बीच में मैंने यहाँ पर देखिए फिरोजी कलर से बनाया है, उसके बाद मैंने फिर से एक रेड का बनाया है, तो टोटल 7 राउंड हमने बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 तीन चैन लेने के बाद नीचे से देखिए 1 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर डबल क्रोसिया बना लेंगे। एक डबल क्रोसिया बनाया, यहीं पर दूसरा डबल क्रोसिया और यहीं पर तीसरा डबल क्रोसिया सेम प्लेस पर। तीन डबल क्रोसिया बनाने के बाद देखिए 1 2 चैन लेंगे और फिर से सेम प्लेस पर तीन डबल क्रोसिया और बनाएंगे। एक बनाया, दूसरा और यहीं पर तीसरा। तो देखिए इस तरह से हमारी ये यहाँ पर 6 की कली बनी है और यहाँ पर एक डबल क्रोसिया, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोसिया की हाइट की है और दो चैन नीचे से स्किप की हैं। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे और नीचे से देखिए 1 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम डबल क्रोसिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोसिया बनाया, अब देखिए फिर से 1 2 चैन स्किप करेंगे और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर ये 6 की कली बनाएंगे। तीन डबल क्रोसिया, एक बनाया, यहीं पर दूसरा डबल क्रोसिया और यहीं पर तीसरा डबल क्रोसिया, फिर दो चैन बनाएंगे और फिर से यहीं पर तीन डबल क्रोसिया और बनाएंगे। एक डबल क्रोसिया बनाया, दो और फिर से बनाया तीन, इस तरह से देखिए बीच में हमने दो चैन स्किप की, एक डबल क्रोसिया बनाया, फिर दो चैन स्किप की, फिर 6 की कली बनाई। अब देखिए इस तरह से लूप लिया, 1 2 चैन स्किप की और डबल क्रोसिया बना लेंगे। एक कली के बीच में हम एक डबल क्रोसिया बनाएंगे, फिर से देखिए लूप लिया, 1 2 चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर फिर से 6 की कली बनाएंगे। इस तरह से इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में हमने तीन डबल क्रोसिया, दो चैन, तीन डबल क्रोसिया बना लिए हैं और अब देखिए लास्ट में हमारे पास 1 2 3 यहाँ पर हमारे पास बचे हैं, तो हम यहाँ पर तीन ही स्किप कर देंगे, क्योंकि 1 2 कम ज़्यादा हो तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरह से, या आप पीछे कर लें एडजस्ट, इसी तरह से आप इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लें। अब देखिए इसकी थर्ड चैन में जाएंगे, सबसे पहले स्लिप स्टिच करेंगे। अब एक चैन लेने के बाद देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था इसको आगे की तरफ से ऐसे लेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। दो स्टिच निकाले और फिर से दो स्टिच निकाले, इस तरह से ये हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बन गया। अब देखिए इस तरह से धागा लेंगे और जो हमने यहाँ पर देखे सेंटर में दो चैन बनाई है उसके अंदर सेम इसी तरह से वर्क करना है। तीन डबल क्रोसिया, 1 2 और फिर से बनाया तीन, तीन डबल क्रोसिया, फिर से दो चैन और फिर से तीन डबल क्रोसिया और बनाएंगे। यहीं पर एक बनाया, दो और एक बार और बनाया तीन, इस तरह से तीन डबल क्रोसिया, दो चैन, तीन डबल क्रोसिया। अब देखिए इस तरह से धागा लेंगे और जो हमने ये बीच में एक डबल क्रोसिया बनाया है उसको देखिए इस तरह से आगे की तरफ से डालेंगे और डबल क्रोसिया बना देंगे। दो स्टिच निकाले, फिर से दो स्टिच निकाले, ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोसिया बन जाएगा। अब फिर से जो सेंटर में दो चैन है उसमें फिर से इसी तरह से तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे, 1 2 और फिर से बनाया तीन,
तीन डबल क्रोशिया, दो चैन और फिर से तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक बनाया, दो और फिर से बनाया तीन, इस तरह से। जो बीच में एक डबल क्रोशिया है इसको आगे की तरफ से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। सिर्फ हमें यही चेंज करना है कि जो हमने बीच में डबल क्रोशिया बनाया है उसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और सेम उसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी उससे पहले जो हमने एक चैन बनाई थी उसमें जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए ये फिरोजी कलर का धागा हमने कट नहीं किया था, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेंटर में जो हमने यहाँ पर दो चैन बनाई है वहाँ से सबसे पहले धागे को जॉइंट करेंगे। अब देखिए इस तरह से, देखिए इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना। एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और तीन चैन हम और लेंगे यहाँ पर। एक दो तीन, अब देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। देखिए ऊपर की तरफ ये हमारा एक पर्ल बन जाएगा। अब फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो तीन, तीन चैन ली और आगे के दो लूप उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर से बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो तीन, तीन चैन ली और यहाँ से देखिए अगले दो, ये अगले दो लूप उठाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तीन पर्ल बन गए, फिर से धागा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और यहाँ से देखिए दो अगले ये धागे उठाएंगे और पर्ल बना देंगे इस तरह से। देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बन गए और चार हमारे पास ऊपर की तरफ ये पर्ल बन गए। अब देखिए एक बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, तो पांच हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया बने हैं और चार ऊपर पर्ल बने हैं। ये बनाने के बाद देखिए इस तरह से दो बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया हुक में और जो हमने ये रो बनाई है इसकी जो नीचे वाली, ये देखिए ये वाली हमारी डबल क्रोशिया बनाए थे सेंटर में, वहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे और नीचे जहाँ से हमने इसको बनाया है वहाँ पर निकाल लेंगे और अपने वर्क को, ड्रेस को भी इस तरह से टर्न करेंगे और इस तरह से देखिए धागे को निकालेंगे, दो दो स्टिच निकालेंगे, एक बार निकाला, दो बार निकाला। अब देखिए लास्ट में दो स्टिच हमारे पास बचे हैं तो दो को हम ऐसे ही रहने देंगे, फिर से दो बार धागा लपेटेंगे इस तरह से। दो बार धागा लपेट लिया, फिर नेक्स्ट जो हमारी ये नेक्स्ट निचले वाली कली है उस कली के यहाँ से निकालेंगे जहाँ पर हमने दो चैन बनाई थी, वहाँ से हम जहाँ से स्टार्ट की है जहाँ पर ये बनाए थे हमने छः डबल क्रोशिया वहाँ पर निकालेंगे और ड्रेस को टर्न करेंगे और इस तरह से देखें फिर से हम दो दो स्टिच निकालेंगे, दो स्टिच निकाल ले, फिर से दो निकाल लेंगे और देखिए अब लास्ट में हमारी क्रोशिया हुक के ऊपर टोटल तीन स्टिच बचे हैं तो तीनों को हम एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हमारा ये वर्क बनेगा और फिर से देखिए धागा लेंगे और सेंटर में जहाँ पर दो चैन बनाई है वहाँ पर फिर से हम इसी तरह से
डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद एक दो तीन, तीन चैन ली और यहाँ पर अगले दो स्टिच उठाए और इस तरह से देखिए अगले दो स्टिच उठाकर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन ली और यहाँ से ये अगले दो धागे उठाए और पर्ल स्टिच बना दिया। फिर से तीसरा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन ली और यहाँ से दो स्टिच उठाए और पर्ल बना दिया। फिर से धागा लेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक दो तीन, तीन चैन ली, यहाँ से अगले दो धागे उठाएंगे और पर्ल बना देंगे। तो टोटल देखिए चार हमारे पास डबल क्रोशिया बन गए और चार पर्ल बन गए और लास्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल पांच डबल क्रोशिया और चार ऊपर पर्ल बन गए। अब देखिए दो बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया हुक में और जिसमें हमने वर्क किया है उसके ये नीचे जहाँ पर हमने ये बनाया था वहीं से देखिए क्रोशिया हुक डालेंगे। ऐसे यहाँ से क्रोशिया हुक डाला और यहाँ पर निकाल लेंगे, ड्रेस को टर्न करेंगे इस तरह से। देखिए दो स्टिच निकाले, दो स्टिच उतारे, फिर से दो उतार लेंगे और दो हमारे क्रोशिया हुक में रह जाएंगे। फिर से दो बार धागा लपेटा और नेक्स्ट जो कली है उसकी देखिए, ये नेक्स्ट कली है सेकंड वाली, यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे और नीचे निकाल लेंगे, ड्रेस को टर्न करेंगे इस तरह से। टर्न करने के बाद देखिए दो दो स्टिच उतारेंगे, दो स्टिच उतारे, दो स्टिच उतारे और लास्ट में देखिए तीन स्टिच बचे हैं तो तीनों को एक साथ उतार देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनेगा। फिर से हम यहाँ पर देखिए सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीन चैन से पर्ल बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से हम यहीं पर लाकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो दो स्टिच निकालेंगे और दो स्टिच रह जाएंगे। फिर हम ये नेक्स्ट जो हमारी कली है इसके यहाँ से डालेंगे, जो सेकंड वाली निचले वाली कली है उसके यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर निकाल देंगे जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया है ये वाली जगह पर। तो इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कम्प्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए दो हमारे पास ये स्टिच बचे हैं। फिर से हम दो बार इस तरह से बूल को लपेटेंगे और जो हमने शुरू में यहाँ पर देखिए इसमें ये बनाया था ट्रिपल क्रोशिया तो यहाँ से डालेंगे और यहाँ पर भी हम एक बार इसी तरह से वर्क करेंगे, दो दो डबल क्रोशिया निकालते हुए जाएंगे। अब तीन बचे हैं तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए जो शुरू में हमने यहाँ पर तीन चैन और ऊपर एक पर्ल बनाया था तो उसकी थर्ड चैन में जाएंगे। थर्ड चैन में जाकर इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से धागे को हमने कट कर दिया है और देखिए बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए इस तरह से हमारी ये फ्लावर वाली ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। आप चाहे तो यहाँ पर पर्ल अटैच कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पर्ल अटैच करूँगी उसके बाद आपको फाइनल लुक ड्रेस का दिखाऊँगी। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।